हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जितने भी भले काम आप करो, तो पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब क्या है कोई कह सकता है? अभी मैंने बताया कि हमारा एरो जो है, निशाना जो है, सही जगह पर नहीं जा रहा है, गलत जगह पर जा रहा है, गलत जगह। प्रेयर जब हम करते हैं ऐसा लग रहा है कि कोई सुन भी रहे हैं कि क्या ऐसे ही बातें कर रहे हैं हम। हैरानी की बात यह है कि क्रिस्ती बनने के बाद भी हमारा जीवन ऐसा होता है, जब हम प्रेयर करते हैं कोई सुन भी रहे हैं क्या? जवाब तो नहीं मिल रहा है, मेरे प्रेयर का उत्तर भी नहीं मिल रहा है, मुझे जवाब भी नहीं मिल रहा है, मिरेकल भी नहीं हो रहा है मेरी जिंदगी में, ऐसा कोई है क्या सुन रहा है? या मेरे प्रेयर जो है छत को लग के नीचे आ रहा है वापस, मेरे प्रार्थना में। बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल समझ में नहीं आता, बाइबल समझ में नहीं आता मतलब क्या? मतलब कैसे आपको समझ में नहीं आ सकता है बाइबल, वो बताओ मुझे, क्या समझ में नहीं आता बाइबल? क्योंकि बाइबल में क्लियरली लिखा है कि वो जो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है, वो प्रभु के बारे में, प्रभु के वचन जानता है, वो पहचानता है, ही कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ गॉड। पर वो जो कार्नल है, वो जो नेचुरल है, वो जो नैसर्गिक है, इस लेवल का है, दुनियादारी में ज्यादा है, उसको बाइबल के बातें समझ में नहीं आती, और टाइम भी नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए। आपके पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए मतलब क्या? मतलब किसको आप फूल किसे कर रहे हो? आप किसको धोखा दे रहे हो? आप भी खुद को, जब आपको पता है परमेश्वर ने एक ही किताब दिया है ताकि आप हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहो, परमेश्वर के संग रहो, एक ही किताब दिया है, बस इतना ही, और आप ये नहीं पढ़ सकते हो, आप और क्या कर रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो? पाप के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि पाप क्या है। अभी समझ में आया आपको पाप क्या है? हमारा निशाना सही जगह पर जाता नहीं है। तो जितने हमने अच्छे काम किए, नियम में भी जब लोगों के पास नियम था, वो नियम नहीं फॉलो कर सकते थे, तो फरीसियों ने अपने खुद के नियम बना दिए, खुद के नियम बना दिए। मतलब मुर्गी ने अंडा दिया तो वो अंडा नहीं खा सकते हो, अगर वो अंडा खा लिया जो सप्त के दिन उन्होंने दिया, तो अगले दिन वो मुर्गी को मरना होगा, अपना प्राण त्यागना होगा, क्योंकि उसने अंडा दिया सप्त के दिन पर, मुर्गी ने काम किया। इसलिए आप आपके जो वस्त्र है इतना भी नहीं उठा सकते हो सप्त के दिन, ऐसे फरीसियों ने बना दिया। और यीशु मसीह ने आके क्या किया पता है आपको? यीशु मसीह ने आकर क्या किया पता है आपको? फरीसी ने जो नियम था ऐसा था, यहां पर था, फरीसी ने उनको यहां पर लगा दिया, यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? उसको और ऊंचा कर दिया। बोले अरे तुम बोल रहे हो यदि तुम किसी पे गुस्सा करो या किसी का हत्या करो, मैं तो कह रहा हूं यदि तुम गुस्सा भी करो अपने भाई के ऊपर, आपने हत्या कर दिया। यदि तुम कह रहे हो यदि तुम एक औरत के साथ सो जाओ तो व्यभिचार हो गया, मैं तो कह रहा तुमने औरत के दिमाग में, अपना दिमाग में भी लाया, औरत के बारे में सोचा भी तो भी व्यभिचार हो गया, तुमसे पाप हो गया है। यीशु मसीह ने उनका पूरा फाउंडेशन हिला दिया। क्या ये मतलब मैं सोचू तो भी गलत, क्या है ये? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि कोई भी ये पूरा नहीं कर सकता है सिवाय एक, और वो है यीशु मसीह, और वो पूरा करके ही उसे मिटा सकते, पूरा करके ही वो मिटा सकते। फरीसी वो लेवल तक पहुंच भी नहीं सकता, ऐसा रहता था कि मैं सबसे कह रहा हूं आपको कि आपको प्राइज मिलेगा, आपको वरना मार डालेंगे हम यहाँ पे, पर आपको जीवित तभी छोड़ेंगे जब आप सब कूद के छत को हाथ लगाओ, ऐसे यहां से कूद के छत को हाथ लगाओ वरना आप सबको मार डालेंगे, कर सकते हो? ये नियम शास्त्र का कोई कर ही नहीं सकता था। आप परमेश्वर को बोलोगे कि क्या नियम शास्त्र दिया, कोई कर ही नहीं सकता, तो दिया क्यों आपने? क्योंकि एक करने वाला आने वाला था, एक करने वाला आने वाला था, वो है यीशु मसीह। बाइबल के मुताबिक पुराने नियम में पाप का डेफिनेशन क्या है? वो यदि आपने छुआ नहीं आपसे पाप हो। और ये क्या बात है, कौन छू सकता है यार? नए नियम में पाप का डेफिनेशन क्या है पता है आपको? चलो देखेंगे, आज सिर्फ पाप के बारे में सीखेंगे यार, क्योंकि ये जो है ना, जाके पाप मत कर जब तक हमें पता नहीं कि पाप क्या है ना,
देखेंगे आज। चलो पापा डेफिनेशन ओपन। सबसे पहले प्रोवर्ब्स 24:9, प्रोवर्ब्स मतलब नीति वचन 24:9। अभी सुनो पाप क्या है और अब चौंक जाओगे, क्योंकि हमें लगा कि पाप बहुत कुछ ज्यादा है, पर नीति वचन 24:9 मूर्खता का विचार भी पाप है। बस क्या क्या है पाप? मूर्खता का विचार, मूर्खता का विचार पाप है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ऐसे ही सोचा आ गया क्या? मालूम ऐसे ही सोचा पाप है वो। मैंने कह रहा हूँ, बाइबल कह रहा है मूर्खता का विचार। मूर्खता का विचार क्या पता है आपको? जो कुछ प्रभु के कलाम के अनुसार नहीं है, बाकी सब मूर्खता के पाप के विचार है। आप चिंता कर रहे हो, पता है क्या है वो प्रभु के नजरों में? मूर्खता के विचार। आप डर रहे हो किसी चीज से, क्या है वो प्रभु के नजरों में? इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? टेक नो थॉट फॉर टुमारो, कल के बारे में चिंता मत करो, सोचो भी मत, क्योंकि सोचना पाप है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आराम से रहो यार, आराम से रहो, इतना टेंशन क्यों लेते हो आप? दुनिया आप चला रहे हो क्या? दुनिया चलाने वाला वो है, बनाने वाला वो है, तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आप किस चीज से डर रहे हो यार? मौत को उसने हरा दिया, उससे ज्यादा डर आपको किस चीज से है? लोग तो मौत से डरते हैं, आप किस चीज से डर रहे हो? चूहों से? बाइबल में लिखा है चूहों के ऊपर आपका डोमिनियन है, बोलो चूहे को। अच्छा, मूर्खता का विचार पाप है। ध्यान से रखो, यदि आप परमेश्वर के सोच के अनुसार नहीं सोच रहे हो, हर एक सोच पाप है, हर एक सोच पाप है। इसलिए बाइबल व्हाट इज दैट फिलिपियंस 2 टेक टेकिंग कैप्टिव एवरी थॉट अंडर द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट जीसस हैविंग दिस माइंड दैट इज नहीं हैविंग दिस माइंड दैट इज इन क्राइस्ट जीसस फिलिपियंस टेकिंग एवरी थॉट हाँ या सेकंड कोरिंथियंस में ऐसा लिखा है कि हर एक जो सोच है, हर एक जो विचार है आपका, उसको कब्जे में ले और यीशु मसीह के अधीन कर। इज इट राइट? इज दैट द थिंग? यीशु मसीह के अधीन कर। ये विचार आता है मुझे डर लग रहा है, प्रे इन टंग्स। मुझे घबराहट हो रही है, प्रे इन टंग्स, सोचो मत उसके बारे में, क्योंकि वो मूर्खता के विचार है और वो पाप है बाइबल के अनुसार। सोचो भी मत उसके बारे में। यदि चिंता हो रही है, प्रे इन टंग्स, मत बातें करो उसके बारे में, पर शैतान का वाणी मत बनो आप। चिंता के बातें मत करो, नेगेटिव नकारात्मक बातें मत करो आपके मुंह से। जैसे ये सोच आती है प्रे इन टंग्स, वरना पाप हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे खुदा पर अगर मैं भरोसा नहीं रखता हूं कि वो मेरा ख्याल रखेगा, तो वो पाप है मेरे लिए। क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख रहे कि वो आपका ख्याल रख सकते हैं और आपको हर आफत से बचा सकता है, आपको हानि तक नहीं पहुंचेगी, आपके वस्त्र को छू भी नहीं लेगी। इट विल नॉट इवन टच योर गारमेंट। आपको वस्त्र को आग छू भी नहीं सकती है यदि आप आग से भी जा रहे हो तो। समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी चिंता का, कोई भी ऐसा घबराहट, कोई भी ऐसा डर वाला थॉट आता है आपके दिमाग में, प्रे इन टंग्स, ब्रिंग इट टू सब्जेक्शन विद द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल पढ़ो और उस विचार को आप यीशु मसीह के अधीन करो। यीशु मसीह के अधीन करो। कैसे अधीन करोगे? परमेश्वर ये विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, चलो प्रे इन टंग्स। आपको पता चलेगा कि वो इट्स डेल्ट विथ, डिलीट, रिसाइकल बिन में जाके क्लियर, रिसाइकल बिन खलास, खत्म, आउट। आपको उस चीज के बारे में चिंता भी नहीं करना पड़ेगा। सेकंड वाला देखो, रोमन्स 14:23, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं हो पाता। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो कुछ विश्वास से अतिरिक्त है वो पाप है। विश्वास क्या है? हम दृष्टि से नहीं
हम दृष्टि से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलना मतलब क्या है? उन चीजों को हम नहीं देखते हैं जिन पे हम विश्वास करते हैं। समझ में आ रहा है? नैसर्गिक बातों पर हम ध्यान नहीं लगाते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। यदि हम नैसर्गिक बातों को देखते हैं, अरे मेरा ये बीमार है, मेरा वो बीमार है, चलो डॉक्टर, चलो ये, चलो वो, चलो वो, नैसर्गिक बातों पर हम विश्वास करते हैं तो वो पाप कहलाता है, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं हमारे यहोवा राफा पे, प्रभु हमारा चंगाई। ये बातें जो है ना, इट्स टाइम टू राइज अप। समय आ गया है कि हम उठे और अपने बिस्तर को बांधे और चलने लगे। बैठ के बहुत हो गया क्रिस्ती जीवन में। ऊंचे स्थानों में हम बैठे हैं, वो हमारा पोजीशन है, वो हमारा औदा है, पर हमें कार्य भी करना है। उठो और इस रीति से चलो, क्योंकि अगर आप विश्वास से नहीं रहते हो तो सारे चीजें पाप है, पाप है। कह रही है बाइबल की? नहीं, मैं कह रहा हूं। बाइबल कहती है ना कि पाप है। रीड द नेक्स्ट वन। अच्छा, कितने जन यहां पर अपने बड़ों का आदर करते हैं? अरे कोई नहीं करता है। बड़ों का आदर कितना करते हैं? मतलब आप करके बात करते हैं, कितने जन करते हैं? है ना, करते हैं ना, बड़ों का सम्मान करते हैं ना। मतलब आए बड़े तो हम उठते हैं या बैठते हैं, जो भी करते हैं, मतलब है ना। छोटे जब आते हैं तब क्या करते हैं? अरे बैठो, अरे किधर भी बैठो, इतना जगह है तुमको दिख रहा है, नहीं बैठो, किधर भी बैठो, है ना। ऐसे करते कि नहीं करते? करते ना। चलो रीड जेम्स 2:9, याकूब 2:9। पर यदि तुम पशुपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराता है। क्या कह रहे हैं? यदि तुम पार्शियलिटी पश्चाताप में ना, पश्चाताप क्या है? किसी को आदर देना और किसी को अनादर देना, किसी से अच्छे बातें करना पर किसी से तुच्छता से बातें करना। समझ में आ रहा है? देखो मैं जो बोल रहा हूँ प्रभु के तरफ से बोल रहा हूँ मैं, प्लीज मेरे तरफ मत देखो कि मैं कोई किसी को बोल रहा हूँ, वैसे प्रभु का वाणी है। हर एक जन से एक समान हमें बात करना है। यीशु मसीह कैसे बात करते थे? हर एक जन से एक समान बात करते थे, एक समान, सब एक समान। पश्चात बिल्कुल परमेश्वर के पास भी नहीं है और यीशु मसीह भी नहीं करते थे। आप कैसे एक जन से अच्छे से बात कर सकते हो, एकदम आदर के साथ बात कर सकते हो, किसी और के साथ अनादर की बात कर सकते हो? कैसे आपके एक ही मुख से अच्छा पानी भी निकलता है और कड़वा पानी भी निकलता है? कैसे आप उन लोगों को कह सकते हो जो परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं, उनसे ऐसे बातें कैसे कर सकते हो आप, यदि आप परमेश्वर से ऐसे बातें नहीं करते हो तो? हाउ कैन यू टॉक टू द सेम मैन, हाउ कैन यू कर्स द सेम पर्सन हु इज मेड इन द सिमिलिट्यूड ऑफ गॉड? वो भी परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है, आप उससे तुच्छता से बात कैसे कर सकते हो? तू 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 करके कैसे बात कर सकते हो आप किसी से? हर एक जन आपके लिए बड़े छोटे आप है, आप है, और आदर के साथ हर एक जन को, हर एक जन के साथ व्यवहार करो, वरना पाप है। बाइबल में लिखा है, मैंने कहा बाइबल में लिखा है पाप है, पाप है। तो हर एक जन से मैं वैसे ही बात करूंगा जैसे मैं यीशु मसीह से बात करूंगा। क्यों? यीशु उनमें है, यीशु मसीह के प्रतिरूप में उन्हें बनाया, रूप में बनाया। मैं उनसे तुच्छता के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट वन, जेम्स 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। हाँ। मतलब आपको पता है कि ये करना है पर नहीं करते हो। हाँ? कितने जनों ने बाइबल पढ़ा है आज? बताओ मत मुझे, बताओ मत, बताओ मत। कितने जन ने आराधना किया आज? चर्च में आराधना किया, आराधना किया। कितने जन ने परमेश्वर से बातें की जैसे उठे सुबह सुबह? और कितने जन को ये भी पता है कि वो जरूरी है पर करते नहीं है, क्योंकि सुबह उठते ही हड़बड़ 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 सब काम काम काज में। पर आपको पता है कहीं ना कहीं कि वो जरूरी है कि मैं पहले परमेश्वर से बातें करूँ और फिर अपना काम काज कार्य वगैरह करूँ, पर आप नहीं करते हो। आप उड़ते हो एकदम गुस्से के मूड में और आप छालू आपका जिंदगी और जीवन,
यदि आप वो नहीं करते हो जानते हुए भी, तो वो आपके लिए वो पाप है। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हो जानते हुए भी आपको बाइबल पढ़ना है, वो पाप है आपके लिए। यदि आप ऑफरिंग नहीं दे रहे हो, ऑफरिंग बैक कर, यदि आप ऑफरिंग नहीं दे रहे हो जानते हुए भी प्रभु के घर पे आपको, मतलब प्रभु के घर में आपको बीज बोना है क्योंकि आपको फिर बरकत मिलेगी बाहर, बैंक में हम बोएंगे बीज, बैंक में सिक्योरिटी है ना, प्रभु के घर में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, इंटरेस्ट वापस मिलता 8% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, अरे वाह, प्रभु के घर में 100% इंटरेस्ट मिलता है आपको, 100%। कौन सा बैंक है जो 100%, मतलब क्या 10 रुपए डालोगे तो कितना मिलेगा, 100%, 1000 डालोगे कितना मिलेगा, ये प्रभु का कैलकुलेशन है। क्या मालूम कौन सा बैंक है, वो हेवनली का बैंक है, हेवन बैंक है, पर प्रभु के घर में नहीं डालेंगे, प्रभु के घर में नहीं डालेंगे, हम जाके बैंक में डालेंगे, अरे 10% इंटरेस्ट है और डालो। बाद में कभी सिखाऊंगा प्रभु क्या कहता है वो सब चीज के बारे में, पर बैंक में जाके डालते हैं हम, प्रभु के घर में नहीं डालते। यदि हम जानते हैं और करते नहीं है, वो कहां पर लिखा है, पुराने नियम में नहीं, नए करार में लिखा है, आपके सामने तो है। चलो एक और पाप लेते हैं, मतलब जानते हैं, एक और पाप खुद देखते हैं क्या है, और ये तो पुराने करार में है पर ये चलता है नए करार में भी। फर्स्ट सैमुअल 15 क्या है, फर्स्ट सैमुअल 15:23 एक और पाप देखते हैं क्या है, तो वो भी जादू टोना के जैसा ये पाप है। देख बलवा करना और भावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है। फर्स्ट सैमुअल 15:23 क्या है ये, आई होप दैट्स दैट, क्या है ये, देख बलवा करना मतलब हट्टी बनना और भावी कहने वाले, हट्टी बनना और जादू टोना करने वाले, जादू टोना करने वालों के समान है, हट्टीपन पाप के जैसा है, वो पाप ही है, जादू टोना की पाप के समान है, क्या हट्टीपन, जिद्दीपन, बेकार का जिद रखा है आपने। परमेश्वर के वचन में आई थिंक इन साम्स इट इज रिटन, घोड़े के जैसे मत बनो जो बिन लगाम के दौड़ता रहता है, कोई उसको संभाल नहीं सकता है, और गधे के जैसे, गधा इट इज अ म्यूल, म्यूल व्हाट इज अ म्यूल, गधा खच्चर, जो चलना भी नहीं चाहता है, आप उसको कितना भी मारो वो चलेगा नहीं, जिद्दी मत बनो आप। एक तो घोड़े के समान मत बनो जो बहुत आगे दौड़ता है, या ये इसके खच्चर के जैसे मत बनो जो बिल्कुल हिलता भी नहीं है, ये पाप है, ये पाप है। यदि तुम हट्टीपना में जीते हो वो पाप है, हट्टी बन के मत रहो। जो झाड़ हट्टी बन के रहता है ना, तूफान उसको उड़ा कर लेके जाता है। हो गया, पांच का समय क्या है, पर जो झाड़ झुकता है तूफान में, जो झाड़ झुकता है वही झाड़ रहता है तूफान के खत्म होने के बाद। सही है गलत, आप ट्रेन में जाते हो ना, ट्रेन से सफर करते हो, तो ट्रेन में जाते वक्त ना आप वो झाड़ों को देखते हैं, बाजू में जो घास उगे हुए रहते हैं वो हमेशा एक ही दिशा में रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। अगर ट्रेन यहाँ से आ रही है तो उस दिशा में रहता है, क्योंकि हवा वैसा आता है ना, तो ट्रेन वैसे आता है, उसी तरफ झुके रहेंगे, उनको तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब हवा से, क्यों वो लोग झुकते हैं जैसे हवा झुकता है, झुकाता है। जब परमेश्वर आपसे चीज़ें कह रही है ना, बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं अपने दिल को कठोर मत बनो, बनाओ। जब परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि उपवास करो, उपवास करो। जब परमेश्वर कह रहे हैं कि प्रार्थना करो, उठ के प्रार्थना करो। कई लोगों को बीच रात में सडनली उनका नींद टूट जाता है, सडनली उठ जाते हैं, क्या मतलब इतना फ्रेश, परमेश्वर उठा रहा है आपको किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए। ध्यान से रखो, ऐसे ही मत सोचो अरे ठीक है यार ऐसे सोचेंगे ऐसे सोचेंगे ऐसे, पूरा करवटे मार के सबको मार के, फिर परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है उस समय में, किसी के लिए प्रार्थना करो, किसी को आपकी प्रार्थना की जरूरत है, जाके सो मत जाना वापस से, हे परमेश्वर तूने मुझे उठाया, मुझे मालूम है, आई स्पीक इन टंग्स, जिसको भी मेरे प्रार्थना की जरूरत है उनके लिए मैं प्रार्थना करूँ, आई स्पीक इन टंग्स, प्रार्थना करो रात के समय में जब परमेश्वर आपको उठाते हैं।
समझ में आ रहा है, आपके दिल को कठोर मत बनो। जब परमेश्वर कह रहे हैं कि बाइबल पढ़ो, जब परमेश्वर कह रहे कि अभी जाके प्रार्थना करो, भले ही आपके इर्द गिर्द में हलचल होती रहेगी, जाके प्रार्थना करो। परमेश्वर आपका प्रायोरिटी है। सिंपल। तो पहले हमने क्या सीखा, पाप क्या है, कि जब मैं मार रहा हूं तो निशाना चूकना मतलब पाप है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पाप कौन सा हमने सीखा, 24:9, रोम्स 24:9, मूर्खता से विचरण पाप। दूसरा हमने क्या सीखा, अल्टीमेट द स्क्रिप्चर, रोमन्स 14:23, जो कुछ विश्वास का नहीं है वो पाप है। जो कुछ अविश्वास की बातें यदि आप कर रहे हो ना, आप पाप कर रहे हो, आपके मुंह से आप पाप कर रहे हो। जिंदगी आपके मुंह में नहीं है, मौत आपके मुंह में है। अविश्वास की बातों में मौत ही है, घबराहट डर वाली बातें जो है ना, मौत वाली बातें हैं, शैतान को गौरव देने वाली बातें हैं। आपकी समस्या के बारे में इस दिन के बाद कोई बात नहीं करेगा। क्या समस्या आपको है, परमेश्वर के चरणों में लेके जाओ। परमेश्वर कास्ट योर बर्डन्स ऑन हिम फॉर ही केयर्स फॉर यू, उसके ऊपर अपना बोझ डालो, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, आपका रखवाली करेगा। वो अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है, ठीक है। तो थर्ड वन, व्हाट वी लर्न, किसी को आदर देना, किसी को अनादर, भेदभाव, पक्षपात। फोर्थ वन, दैट वाज जेम्स 2:9, फोर्थ वन, जो जानता है कि ये करना है और वो करता नहीं है, वो पाप है, पाप है। मैंने ये जाना था कि बहुत दिनों से मैं ऑफरिंग नहीं डाल रहा था, फिर परमेश्वर ने मुझसे बात की, भाई क्या है, कभी डालते हो कभी नहीं डालते हो। जब बैग रहता है तभी डालने का मन करता है, जब बैग नहीं रहता है, थैली नहीं रहता है, तभी भूल जाते, अरे यार नहीं डाला। पर मुझे मालूम है कि परमेश्वर के घर में होना जरूरी है, पर मैं नहीं कर रहा, वो मेरे लिए पाप होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन वाज 1 Samuel 15:23, जिद करना पाप है। और वो जिद करना जो हिब्रू वर्ड है, जो मर्रा, आपको बारे में पता है मर्रा मतलब क्या है, कड़वा पानी, काला पानी नहीं, कड़वा पानी। हाँ, जब वो लोग लाल समुंदर को पार करके वो इजरायली लोग आ गए पहले स्थान पर, जो पानी उनको मिला वहाँ से वो कड़वा था, तो उन्होंने झगड़ा किया मूसा के साथ। तो वर्ड जो यूज़ किया वहाँ पे हट्टीपना के लिए, वो मारा है, मारा मतलब कड़वाहट, मतलब झगड़ा करना पाप है। ये सब पापों से हम कैसे बच सकते हैं, अभी बोलो सब लोग, क्या हम पाप करते हैं? Yes. करते हैं। हट्टीपन, या लोगों को आदर अनादर देना, या विश्वास में नहीं रहना, अविश्वास के बातें करना, या मूर्खता के विचार सोचना, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे सोचना, आपका काम है ही नहीं। प्रभु ने कहा कि आपका काम नहीं है सोचना, पूरे दुनिया में सिंहासन एक ही है, आप 2-3 सिंहासन क्यों बना रहे हो, किस्सा कुर्सी का, आप क्यों सिंहासन के ऊपर बैठना चाहते, प्रभु आप आपका कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप उतर जाओ, मैं जाके बैठ जाता हूँ, क्यों ऐसे? पाप है। आखिर में एक ही चीज कहना चाहता हूँ मैं, रीड 1 John 1:9, रीड 1 John 1:5-10, पहला यूहन्ना 1:5-10 तक, रीड इट, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई केके नहीं परमेश्वर ज्योति है उसमें कोई अंधकार नहीं, मतलब ज्योति और अंधकार अलग है। परमेश्वर कौन है? ज्योति है, उसमें कोई आप में परमेश्वर रहते हैं, आप में अंधकार कैसा है फिर? ठीक
ठीक है आगे पढ़ो। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। कैसे आप बीमार रह सकते हो यदि आपका सहभागिता परमेश्वर के साथ है? कैसे आप टेंशन में रह सकते हो? कैसे आप डर में रह सकते हो? कैसे आप ऐसे रह सकते? कैसे यदि आपका सहभागिता परमेश्वर के साथ है, कैसे एक ही घर में शैतान के कार्य भी रह रहे हो, एक ही घर में पवित्र आत्मा भी रह रहे हो, ऐसा कैसा हो सकता है? इससे बेहतर आगे आ रहे पढ़ो। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बस हे यीशु मसीह, ये आखिरी है ना, तो कैच इट, क्योंकि इसको मैं कंटिन्यू करूंगा अगले समय, ठीक है? हे यीशु मसीह मुझे तेरे लहू से धो दे। हे यीशु मसीह मुझे तेरे लहू से धो दे। अरे ये तो बहुत ही मतलब पवित्र वाला प्रेयर लगता है। हे परमेश्वर हमने गुनाह किए हैं, हमें क्षमा कर दे, अपने लहू से धो दे। ये कहाँ का प्रेयर हो गया? हम प्रेयर करते कि नहीं? लहू से धोना मतलब क्या है? पुराने नियम में आपको पता है जब महायाजक वो याजक जो है वो लहू का वो लेता था, जो मेमने को काटता था लहू को लेता था, उस आदमी के ऊपर छिड़कता था क्या? वेदी के ऊपर। लहू किसके लिए था? आदमी के लिए था, आदमी के लिए था, पर किसके लिए था? परमेश्वर के लिए, आदमी के पाप के लिए, पर परमेश्वर के लिए था। परमेश्वर के सामने वो लहू इंपॉर्टेंट था। वो लहू लेके आदमी पे छिड़कता था क्या? हे यीशु तेरा लहू मुझ पे दे, मुझे धो दे। अरे ये कौन सा, कहां से नियम आ गया? ये यीशु ने, पूरे बाइबल में आप ढूंढो, यीशु ने कभी नहीं कहा कि वो अपने लहू से किसी को शुद्ध करता है। तो फिर ये वचन क्या है? पूरे बाइबल में आप ढूंढो, He cleanses us, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. पाप हमारे लहू हमारे पर छिड़क के लिए, हमारे पाप लेके उस लहू के द्वारा हमें। तो हम अपने आप को कैसे धोते हैं? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। आपके नाम यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। बस ये उस जमाने के लिए था जब मैं यीशु मसीह में आ गया था, तभी मैंने सब, मैं यीशु मसीह में कैसे आता हूँ? पश्चाताप करता हूँ, अपने गुनाह कबूल करता हूँ कि हे यीशु मसीह मुझे तेरी दया की जरूरत है, मुझे तेरी लहू की जरूरत है, मतलब लहू नहीं मुझे तेरी जरूरत है, इसलिए मैं यीशु मसीह को कबूल करता हूँ कि यीशु मसीह ही प्रभु है, फिर मैं नए जीवन में आता हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है जो कह सकते कि मैं पाप नहीं करता था या मैं पाप नहीं करता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। सबको यीशु मसीह की जरूरत है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? हे बच्चे, हे बच्चे, तुम जब उस जमाने में थे तुम पाप किया करते थे, तुम्हारा पाप धुल गया है, क्योंकि जब यीशु मसीह तुझ में रहता है तुझ में पाप नहीं रह सकता है, अंधकार के कार्य नहीं रह सकता है। तो ये सवाल उठता है कि जब हम पाप करते हैं तो क्या, सवाल उठता है कि नहीं ना? अगर आप कह रहे हो कि मैं पाप नहीं कर सकता, तो जब हम पाप करते हैं तो क्या? फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 1, हे मेरे बालकों मैं ये बात, बस हे मेरे बालकों, किससे बात कर रहे हैं? पिता से बात नहीं कर रहे हैं, तीन जनों से ये बात करते हैं फर्स्ट जॉन में, पिता से, जवानों से और बालकों से। तो ये बालकों के लिए था कि अपना गुनाह कबूल करें, ठीक है? तो देखो अगर ये पाप करते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट जॉन 2:1 पढ़ो। हे मेरे बालकों मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यदि कोई पाप करे भी तो क्या है? पिता के पास एक इंटरसेसर है, क्योंकि उसने हमारे सारे अधर्मों को मिटा दिया है।
अगले टाइम हम सीखेंगे कि एक्चुअली ये लहू का क्या है, ये लहू के बारे में क्या है, यीशु मसीह का लहू जो है, और अगले टाइम हम सीखेंगे कि हमारा पाप क्या है, क्योंकि हम जानते नहीं कि हम पाप करते कि नहीं करते, हम पाप कर सकते कि नहीं कर सकते। ओके, एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर,